आज मम्मी और पापा गए थे मार्केट, तो मम्मी मेरे लिए क्या लेके आई है, तो चलिए मैं ओपन करके आप लोग को भी दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ किरण कुमियाल, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुमियाल फैमिली ब्लॉग में। तो हो गई है नए दिन की शुरुआत और आज है संडे। तो आज मैं अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी किचन से। अभी मैं अपने जो बाहर वाले चूल्हे पर बैठी हूँ जहाँ पर हम पानी गर्म करते हैं, तो आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोग को क्या दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहेगा। और यदि ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटर वाली पुलाव यानी खिचड़ी। तो आज संडे है तो फुर्सत से बनाएंगे खाना। और घर पे हम तीन ही लोग हैं, मैं और दादाजी भाई। तो खिचड़ी को मैं पतली रखने वाली हूँ क्योंकि दादाजी ने ही कहा कि आज मटर वाली पत्ती खिचड़ी खाने का मन हो रहा है, तो उनके कहने पे ही मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो अभी छील रही हूँ मैं मटर, और ये मटर हमारी घर की है तो इसको मम्मी परसों तोड़ के लेकर आई। तो अभी मैं इस बर्तन को इस राख से लपेट लूंगी ताकि ये बर्तन चूल्हे पे जले ना, तो इसलिए इन बर्तनों को ऐसे मिट्टी या फिर राख से इस तरह से किया जाता है ताकि बर्तन जले ना। तो चूल्हे में आग से बर्तन जल जाते हैं और काले हो जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए इस तरह से राख से बर्तनों को लेप लगाया जाता है। जो पहाड़ों में चूल्हे पे खाना बनाते होंगे तो उन लोगों को तो मालूम ही होगा। और इसके बाद मैं ये जो गीला मैंने लेप लगाया था इस पे, तो सूखी वाली राख को मैं इस तरह से इसमें छिड़क दूंगी ताकि ये एकदम से सूख जाएगा और मैं चूल्हे पे इसे चलाऊंगी तो ये निकलेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने कुकर पे लेप लगा लिया है और अब हम इसे चाहे जितनी मर्जी हो चूल्हे पे रख सकते हैं। और अब जलाऊंगी मैं इस चूल्हे पे आग, तो ये है चिराग। और वैसे हम इसको अपनी पहाड़ी भाषा में कहते हैं छिलुक, जो चीड़ के पेड़ पे ऑयली वाला उसका भाग होता है लकड़ी का, तो उसको काट के लाया जाता है, यानी जो चीड़ का पेड़ समाप्त हो चुका है उसको हम सूखी हुई लकड़ी पे निकालते हैं, यानी कच्चे पेड़ से इसे नहीं निकाला जाता है क्योंकि कच्चे पेड़ों को तो हमें काटना भी नहीं चाहिए। और इस पे मैं जैसे ही ये माचिस की तिल्ली लगाऊंगी तो वैसे ही ये जलने लग जाता है एकदम से। तो इस तरह से इसे हम आग जलाने के लिए यूज करते हैं। आग जल चुकी है और अब मैं इसके ऊपर रखने वाली हूँ ये, ताकि इसमें ये बर्तन फिट आ जाएगा। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ तेल। तो तब तक तेल गर्म होता है और तब तक मैं ये चावल जो मैं भून के लेके आई थी तो इनको मैं साफ कर लूंगी, धो लूंगी पानी से। और यहाँ पे मैंने ये मसाला रेडी किया हुआ है, तो ये सिलबट्टे वाला पिसा हुआ मसाला है, तो मैंने इसको सिलबट्टे में पीस के मैं लेके आई थी। और वैसे तो हम जितने भी मसाला यूज़ करते हैं वो घर के ही मसाले यूज़ करते हैं, हमारे घर के ही मसाले होते हैं, हम उनको चक्की से पिसवा के पाउडर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो अभी मैं लेके आई हूँ इसमें जीरा, तो सबसे पहले मैं इसमें जीरा डाल लूँगी। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन। लहसुन को अच्छे से भूनने देते हैं, तो अब लहसुन भी भून चुका है। अब मैं इसमें जो कटी वाली प्याज डाल रही हूँ, प्याज को थोड़ा अच्छे से भूनने देंगे, तो उसके बाद मैं ये मटर जो मैंने छील रखे इस मटर को भी थोड़ा सा भूनने के लिए इसमें डालेंगे। तो प्याज भी हमारी अच्छे से भून चुकी है और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मटर। तो मटर भी अच्छे से भून चुके हैं अब, और अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने ये मसाला रेडी किया हुआ है। तो इस तरह से थोड़ी देर तक मसालों को पकने देंगे, तो मटर भी अच्छे से पक जाएगी हमारी। और हमारी मटर भी अच्छे से भून चुकी है, मसाला भी तैयार हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी चावल। Thank you.
तो आप देख सकते हैं ये हमारी पुलाव के लिए मैंने इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी पानी, और पानी मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि मुझे पतली बनानी है खिचड़ी को। तो मुझे खिचड़ी को पतली रखना था तो इसलिए मैंने इसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रखी, और पानी ज़्यादा रखने के चक्कर में इसमें पानी कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो देखते हैं अब खिचड़ी कैसे बनती है, वो तो पकने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी थोड़ा टेस्ट करने के बाद इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा था तो इससे मैंने इसमें थोड़ा सा दोबारा से नमक ऐड कर लिया है। और अब इसमें इसको थोड़ा सा घुमा के इसमें लगा देंगे ढक्कन। और बीच बीच में हमारी लकड़ियां बुझ भी सकती है तो इनको चेक करने के लिए हमें लकड़ियों को जलाने के लिए बीच बीच में देखना पड़ेगा। तो चलिए तब तक मेरी खिचड़ी बनती है तो तब तक मैं हरी सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ, हरी सब्जी काट लेती हूँ तब तक, उसके बाद बनाएंगे हरी सब्जी। और हरी सब्जी भी मैं इसी चूल्हे पर बनाने वाली हूँ। दोस्तों अभी सुबह के 10 बजने वाले ही हैं तो अभी मुझे 10 बजे से ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है अपनी। तो अभी मैंने उधर चूल्हे पे खिचड़ी चढ़ा दी है तो अभी वहाँ पे दादाजी बैठे हुए हैं तो वो लकड़ी को देखेंगे। दोस्तों फाइनली अब जाके मीटिंग खत्म हुई और अभी 12 बजने वाला है तो सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक हमारी मीटिंग रही। और अभी दादाजी और भाई खाना खा के चले गए हैं काम पे तो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। तो प्लीज आप भी मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये है कल रात की गडेरी की सब्जी और ये मैंने अपने लिए खाना परोस लिया है। अभी मैंने खाना खा लिया है तो अब मुझे बर्तन धोने हैं और उसके बाद मुझे अंदर रसोई की लिपाई करनी है आज, और पानी भी नहीं आया है तो पहले मुझे धारे से पानी लाना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों को मैं मिलती हूँ कुछ देर बाद। तो अभी मैं सबसे पहले इस चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ फिर उसके बाद मैं अंदर की बाकी लिपाई करूँगी। तो ये है हमारी रसोई, तो इसकी मैंने लिपाई कर ली है पूरी, और थोड़ा सा गोबर बचा था मैंने बाहर वाले चूल्हे के चारों ओर भी उसकी लिपाई कर दी है। अब मुझे धोने हैं कपड़े, कपड़े धोने के लिए भी मुझे धारे पे ही जाना पड़ेगा तो पानी तो अभी तक नहीं आया हुआ है तो मैं चलिए कपड़े धो के ले आती हूँ। वहाँ पे मैंने कपड़े धोने के लिए इस टब में रख दिए हैं, थोड़े कपड़े नीचे बाथरूम के अंदर है वहाँ से ही ले लूँगी। और ये डिब्बा भी मैं लेके जाऊँगी पानी का, इसमें एक डिब्बा पानी भी ले आऊँगी। और आज का मौसम कुछ इस तरह है, धूप भी काफ़ी तेज लगी है और आज तो आसमान में उधर बादल भी दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं कपड़े धो के भी आ चुकी हूँ धारे से और धूप भी हमारे घर से निकल चुकी है और ये कपड़े मैंने अभी धोए हैं। तो दोस्तों अभी ना ठंड बहुत ज्यादा लग रही है तो मैंने अपने स्कार्फ को इस तरह से बांध लिया है। वैसे इसको स्कार्फ नहीं कहते, इसको कहते हैं परंदा, ये मेरी मम्मी का है। तो अभी ठंड लग रही है बाहर, बहुत तेज हवा चल रही है और अभी मेरे दादाजी भी ग्वाला से आ चुके हैं तो उनके लिए मुझे बनानी है चाय और उसके बाद फिर भरते हैं शाम के लिए पानी, और पानी लेने भी धारे पे ही जाना है। तो चलिए मैं दादाजी के लिए पहले तो चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं पानी भरूंगी, फिर मम्मी और पापा भी आ जाएंगे क्योंकि मम्मी और पापा गए हैं आज मार्केट। इस बीच मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को आप कुछ देर के बाद। और यहाँ पे मेरी डिंपू बिल्ली भी बैठी हुई है तो हमारे पास दो बिल्लियाँ हैं। ये आ गई है मेरी मम्मी मार्केट से, पापा मम्मी आ गए हैं। दोस्तों अभी मैं हम खा के आ चुके हैं तो आज मम्मी और पापा गए थे मार्केट तो मम्मी मेरे लिए क्या लेके आई है तो चलिए मैं ओपन करके आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो ये है हुड, तो मम्मी अपनी पसंद का मेरे लिए लेके आई है हुड, तो देखती हूँ मैं इसे पहन के कि कैसा लग रहा है।
ये लेके आई मेरी मम्मी मेरे लिए। और कैसा लग रहा है आप लोग मुझे बताएगा कमेंट करके। तो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा है। टोपी का कपाम लगाने का सुपर। और इस पे टोपी भी है, कभी ठंड होगा तो टोपी पहन लेंगे। अपनी टोपी उतार पहले। तो इसका फैब्रिक भी जो है ना कपड़ा बहुत अच्छा है, इतना गर्म और लगने में तो पतला लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा कपड़ा है। और ये है मेरी मम्मी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को अब यही एंडिंग करते हैं और आशा करूंगी आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और बाय।